भाई टीवीएस स्पोर्ट की ब्रेकिंग बहुत ही ज्यादा बकवास है। आपको फ्रंट में 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है, पर इंजन का साउंड भी आपको सुना देते हैं क्या कैसा क्या साउंड कर रहा है इंजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको रस्टिंग भी मिल जाती है, तो इसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी और बेटर हो सकती थी, इतनी जल्दी इसमें जंग आ चुका है। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम मेरे पीछे देख रहे हैं टीवीएस स्पोर्ट, आज हम करने वाले हैं इसका एक ओनरशिप रिव्यू। मैंने इसको 2020 में परचेस करा था, तो ऑलमोस्ट उसको जो है वो 3 साल होने वाले हैं। तो 3 साल में मैंने इसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी है, इसमें मुझे अभी तक कितना माइलेज मिल रहा है, और अगर आप एक 110cc की बाइक देख रहे हैं तो ये आपके लिए कैसी रहने वाली है, इसका परफॉर्मेंस आपको कैसा मिलेगा, इंजन ओवरऑल अभी तक कैसा वर्क कर रहा है, सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले इस बाइक का मीटर दिखा देते हैं आपको कि कितने किलोमीटर ये बाइक जो है वो अभी तक चल चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19,960 किलोमीटर ये बाइक जो है वो अभी तक चल चुकी है, ऑलमोस्ट जो है वो 20,000 किलोमीटर इसकी कंप्लीट होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीवीएस स्पोर्ट की पेंट क्वालिटी, तो पेंट क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है आपको, अभी तक मुझे जो है वो पेंट क्वालिटी से लेके कोई भी यहाँ पे इशू नहीं आया है। यहाँ पे आप एक बार शाइन देख सकते हैं कितने अच्छे से अभी तक बाइक शाइन कर रही है, जबकि इसको यहाँ पे तीन साल का वो कंप्लीट होने वाले हैं। मैंने इसको परचेस करा था 3 सितंबर 2020 को, तो जो आप सितंबर आएगा उसमें इसके 3 साल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टिकर की क्वालिटी है वो भी अभी एकदम जो है वो नई जैसी है, इंडिकेटर्स मुझे एक बार भी चेंज नहीं कराने पड़े, ना ही ये टूटे हैं और ना ही इसके बल्ब जो है वो फ्यूज़ हुए हैं, तो इंडिकेटर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर ये थोड़े यहाँ पे सॉफ्ट होते तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। और सस्पेंशन अगर आप देखेंगे तो सस्पेंशन इसके जो है वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल सस्पेंशन है, 110 और 100cc की कैटेगरी में मुझे जो है वो काफ़ी इसके यहाँ पे सस्पेंशन पसंद आया है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और अगर इससे थोड़ी बहुत लॉन्ग राइड वगैरह करेंगे तो कोई भी यहाँ पे तकलीफ नहीं होने वाली है, काफ़ी अच्छे से इसके सस्पेंशन जो है वर्क करते हैं। और रियर में आपको जो है वो 7-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं, तो अपनी राइड के हिसाब से सस्पेंशन एडजस्ट करवा सकते हैं। पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो वो है इसकी ब्रेकिंग, भाई टीवीएस स्पोर्ट की ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा बकवास है। आपको फ्रंट में 130mm की ड्रम ब्रेक मिलती है, रियर में आपको 110mm की ड्रम ब्रेक मिलती है, लेकिन जो एकदम फीडबैक है इसका वो एकदम ही बकवास है, आपको ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। अगर आप 60 या 70 की स्पीड पर भी इसको आप अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो एकदम भी कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। टीवीएस को इसकी ब्रेकिंग में सुधार करना चाहिए, या तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक वाला या फिर वेरिएंट दें, या तो इसी ब्रेक को जो है वो आप थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। और अगर बात करें फ्रंट टायर की, तो फ्रंट में आपको यहाँ पे 2.75 का यहाँ पे टायर साइज मिलता है, 17 इंचेस के इसमें अलॉय व्हील आते हैं, टायर जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, थोड़े से पतले टायर हैं लेकिन बाइक को देखते हुए टायर जो है वो काफ़ी अच्छे दिए, ग्रिप काफ़ी अच्छी है, अभी तक आप देख सकते हैं यहाँ पे उतने ज़्यादा घिसे नहीं हैं, जबकि ये 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो टायर से लेके कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे अभी तक नहीं आई है। लेकिन टायर को भी लेके यहाँ पे एक इशू है कि इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते, अगर कंपनी इस प्राइस पॉइंट में अगर आपको ट्यूबलेस टायर यहाँ पे प्रोवाइड करा देती तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी स्प्लेंडर वगैरह में तो यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, इसमें नहीं मिलते, जो कि कंपनी को दे देने चाहिए थे। अलॉय व्हील पे मैंने यहाँ पे मॉडिफिकेशन कराया था, यहाँ पे मैंने स्टिकर लगवाए दिए थे, इससे थोड़ी सी लुकिंग यहाँ पे बाइक की बढ़ गई। चलने के बाद इंजन कैसा क्या इसका रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसा क्या वर्क कर रहा है वो बताते हैं आपको। सबसे पहले इसमें आपको 110cc का जो है वो इंजन मिलता है, 2019 में इसमें आपको 100cc का इंजन मिलता है, लेकिन 2020 में कंपनी ने इसमें 110cc का इंजन दे दिया है, जो कि टीवीएस स्टार सिटी में भी आता है और अदर जो टीवीएस की 110cc की बाइक है उसमें यही इंजन आता है। इंजन जो है वो काफ़ी रिलायबल है, इंजन को लेके मुझे अभी तक कोई भी परेशानी नहीं हुई है। एक बार इंजन का साउंड भी आपको सुना देते हैं क्या कैसा क्या साउंड कर रहा है इंजन। बस इंजन से जो है वो मुझे एक ही शिकायत है, वो है इसके वाइब्रेशन। भाई वाइब्रेशन अगर आप 50 के ऊपर लेके जाएंगे तो इतने अच्छे आपको मसाज देने वाले हैं इसके वाइब्रेशन, क्या
कुछ मैं बता ही नहीं सकता हूँ, बहुत ही इसमें वाइब्रेशन 50 के ऊपर ले आने के बाद आ जाते हैं। बाकी अगर टॉप स्पीड की बात करें तो मैंने इसकी टॉप स्पीड चेक करी है, ऑलमोस्ट जो है वो 105 जो है वो टच कर जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा इसका दम निकल जाता है, लेकिन 105 ये टच करी जाती है बाइक को देखते हुए। इसकी टॉप स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी है, इंजन स्मूथ जब तक रहेगा अगर आप इसको 50 के नीचे चलाएंगे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ वर्क करता है, लेकिन 50 के ऊपर जाने के बाद इसमें आपको वाइब्रेशन जो है वो काफ़ी एविडेंट मिल जाते हैं। यहाँ पे जो आप एक वायर देख रहे हैं ये एक बार ख़राब हो चुका था, तो इसमें काफ़ी परेशानी हुई थी, बाइक जो है वो स्टार्ट करने के तुरंत बाद ही बंद हो जाती थी, तो ये मैंने जो है वो कंपनी से चेंज करा लिया था। अब जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बाइक जो है वो एक सेल्फ में ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ मैं एक बार सेल्फ दबाऊँगा और ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइक स्टार्ट हो गई है, तो इंजन को लेके यहाँ पे कोई भी मुझे अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है। माइलेज को बता देते हैं आपको, तो इसमें आपको जब मैंने इसको लिया था 2020 में, तो 2-3 महीने मैंने चलाने के बाद इसका माइलेज टेस्ट करा था, तो मुझे इसने 75 km/h तक का माइलेज दिया था, और मैंने अभी तक इसमें कोई भी माइलेज टेस्ट नहीं करा है। मुझे लगता है कि ये अभी तक जो है वो 79 या 80 km/h तक का माइलेज, मुझे इसका माइलेज टेस्ट देखना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसका माइलेज टेस्ट भी आपके लिए कर दूंगा। और जो उसको मुझे प्रॉब्लम लगी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको रस्टिंग भी मिल जाती है, तो इसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी और बेटर हो सकती थी, इतनी जल्दी इसमें जंग आ चुका है तो ये मुझे उतनी अच्छी बात नहीं लगी। थोड़ा सा जंग आपको यहाँ पे मिलता है। इसका एक बार जो है वो ऑक्सीजन सेंसर जो है वो ख़राब हो गया था, वो भी मैंने चेंज कराया था, तो 20,000 किलोमीटर में एक बार ये ख़राब हो चुका है यहाँ पे, और एक बार इसका ऑक्सीजन सेंसर ख़राब हो चुका है, और भी इसमें कोई भी परेशानी नहीं आई है। इसका क्लच वायर भी जो है वो एक बार टूट गया था, तो वो मैंने इसके सर्विस सेंटर से नहीं चेंज कराया, वो मैंने बाहर से ही चेंज करवाया, लेकिन अब जब ये सर्विस पे जाएगी तो ये भी चेंज करा लेंगे, ओरिजिनल इसमें TVS के ही डलवाएंगे। सर्विस सेंटर की बात कर लेते हैं, तो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ख़राब है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। थोड़ी यहाँ पे TVS अपनी सर्विस को और सुधार सकते हैं, उतना अच्छा आपको फीडबैक नहीं मिलने वाला है TVS के सर्विस सेंटर से। और जब मैंने बाइक परचेस करा था तो उतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस इसकी यहाँ पे सेल्स का भी नहीं रहा था, तो सेल्स और सर्विस दोनों ही TVS अपनी सुधार सकता है। बाकी शोरूम पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है जहाँ मैं कराता हूँ वहाँ उतना अच्छा ना हो, लेकिन अदर शोरूम पे अच्छा हो, शोरूम के हिसाब से वो डिपेंड करता है। इसमें आपको इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन मिलता है, फ्यूल इंजेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है, अभी तक इसके फ्यूल इंजेक्टर में जो है वो कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई है। और फ्यूल टैंक आप देखेंगे तो फ्यूल टैंक पे भी पेंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको 10 लीटर यहाँ पे फ्यूल टैंक मिलता है, उस पर थोड़े बहुत मैंने मॉडिफिकेशन कराए थे, यहाँ पे हॉर्स का यहाँ पे स्टीकर लगवाया था और यहाँ पे टैंक पैड भी मैंने लगवाया था, और इसमें मैंने एक और मॉडिफिकेशन कराया था, इसमें मैंने डुअल हॉर्न लगवाए थे जो कि अपाचे के हैं। एक बार मैं इसका साउंड भी आपको सुना देता हूँ, मुझे जो बाइक में साउंड है वो थोड़ा लाउड ही अच्छा लगता है, जो इसमें सिंगल हॉर्न आता था वो उतनी अच्छी आवाज़ नहीं करता था, जब भी मैंने इसमें अपाचे के डुअल हॉर्न लगवाए हैं। यहाँ पे किक मिल जाती है जब मैं सुबह इसको स्टार्ट करता हूँ, तो अभी तक इसको किक से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे पेंट क्वालिटी यहाँ पे ख़राब हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा यहाँ पे पेंट जो है वो उखड़ गया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा पेंट उखड़ चुका है। एग्जॉस्ट आप देखेंगे तो एग्जॉस्ट के ऊपर आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश मिलती है, ये काफ़ी अच्छे से आपको प्रोटेक्ट करती है। और बाकी यहाँ पे आप देखेंगे एग्जॉस्ट पे भी यहाँ पे थोड़े से पेंट जो है वो ख़राब हो चुका है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पेंट जो है वो थोड़ा उखड़ चुका है। एग्जॉस्ट नोट भी इसका आपको सुनाते हैं कि अभी तक ये बाइक कैसा क्या एग्जॉस्ट नोट इसमें आ रहा है। एग्जॉस्ट नोट जो है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, काफ़ी बेसिक सा इसका एग्जॉस्ट नोट है, और TVS जो है वो अपने एग्जॉस्ट नोट के लिए ही जाना जाता है। रियर मेडगार्ड देखेंगे तो यहाँ पे थोड़े बहुत स्क्रेचेस आ गए हैं, लेकिन उतनी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। रियर में आपको 3.00 का यहाँ पे टायर साइज मिलता है, 17 इंचेस के इसमें आपको अलॉय व्हील मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर इसमें कंपनी को दे देने चाहिए अब। और बाकी इसकी ग्रिप देखेंगे तो ग्रिप आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, ग्रिप से लेके यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। नेगेटिव है वो है इसका वेट, इसमें आपको यहाँ पे 110 या 112 kg का यहाँ पे कर्ब वेट मिलता है। अगर आप इसको हाईवे पे लेके आते हैं तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होने वाला, अगर पास से ट्रक पर गुड़ होता है तो ये बाइक पूरा लहर जाती है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आने वाले है। बाकी गेयर जो है वो अभी तक इतने स्मूथ काम कर रहे हैं, कभी कदार जो है वो फंसते हैं, लेकिन अच्छे से काम कर रहे हैं। गेयर को लेके मुझे उतनी कोई दिक्कत नहीं हुई है अभी तक। चेन कवर जो है
वो इसमें आपको फुली चेन कवर मिलता है। और यहाँ पे ये प्लास्टिक का आता है। शुरुआत में मैंने जब ये बाइक ली थी तो चेन कवर जो है वो काफ़ी आवाज़ कर रहा था, काफ़ी अंदर से आवाज़ आती नहीं, चेन जो है वो इसमें लौटती थी। मैंने सर्विस सेंटर काफ़ी चक्कर लगाए, यहाँ पे 2-3 महीने मैंने इसको देखा लेकिन आवाज़ नहीं जा रही थी। तो मैंने उनसे कहा या तो भाई चेन कवर हटा दो या तो दूसरा लगाओ। वो कह रहे थे ये चेन कवर जो प्लास्टिक का कंपनी इसमें देती है वो आगे चल के ऐसी आवाज़ करने लगता है। मैंने कहा जब भाई कंपनी को पता है कि ये आवाज़ करेगा तो इसमें ये चेन कवर दें ही ना, या तो मेटल का दें या तो फिर कोई दूसरा इसका हल निकालें। तो किसी तरीके से उन लोगों ने जुगाड़ करके इसको ऐसे लगा दिया है कि ये अब आवाज़ नहीं करता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम इसमें थी, वो ख़त्म होगी। बाकी साइड पैनल देख सकते हैं आप, इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। थोड़े पैनल गैप्स जो हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं अच्छे खासे, पहले इतने नहीं थे, अब जो है वो पैनल गैप काफ़ी आ चुके हैं। टेल लाइट जो है वो आपको हाइड्रोजन बल्ब की मिलती है, और टेल लाइट के लिए मैंने इसमें काफ़ी चक्कर लगाए। इसकी टेल लाइट जो है वो हमेशा एक आपने बाइक में देखा होगा जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा जलती है, और जैसे ही आप ब्रेक छोड़ते हैं तो लाइट जो है वो धीमी जलती है। लेकिन इसमें एक ये भी प्रॉब्लम है कि जैसे ही मैं ये बाइक स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे जो उसकी टेल लाइट है वो हमेशा ही हाई पावर में रहती है, जबकि मैंने ब्रेक अप्लाई नहीं करा है, तो ये मुझे एक दिक्कत लगती है। मैंने सर्विस सेंटर में भी ये चीज़ बताई लेकिन वो लोग कहते हैं कि भैया ये ऐसी रहती है। तो मैंने कहा ठीक है भाई ऐसी रहती है तो रहने दो, मुझे उतनी परेशानी नहीं है। बाकी एक बार इसका बल्ब भी फ्यूज़ हो चुका है, इससे लेके मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। सीट कंफर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि 3 लोग बैठ के जाएँ। सीट कवर जो है वो 3 साल में कुछ इसकी ऐसी हालत हो चुकी है, तो सीट कवर इसका चेंज कराती हैं जैसे ही सर्विस पर आती है ये। तो सीट कवर की क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, सीट भी ऑलमोस्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। डुअल टोन कलर में इसकी सीट आती है, अभी तो सीट कवर है इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगा। और मीटर भी दिखा देते हैं आपको, कैसा क्या मीटर है। तो उसमें आपको फुली एनालॉग जो है वो स्टीयरिंग क्लस्टर मिलता है, जिसमें आपको ऑडोमीटर मिलता है, और यहाँ पे फ्यूल गेज मिल जाता है, यहाँ पे पावर की लाइट मिलती है, इंजन मलफंक्शन की लाइट मिलती है, यहाँ पे टर्न सिग्नल की लाइट, हाई बीम की लाइट और न्यूट्रल की लाइट मिलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो काफ़ी बेसिक सा है, लेकिन मुझे कोई भी शिकायत नहीं है इसके मीटर को लेके। इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इग्निशन जो है वो यहाँ पे एक चीज़ रहती है पत्ती टाइप की छोटी रहती है, वो यहाँ पे टूट चुकी है। और इसकी एक जो ओरिजिनल चाबी होती है, जो कि बाइक के साथ 2 चाबियाँ मिलती हैं, जो पहली वाली चाबी थी वो काफ़ी ज़्यादा घिस गई थी तो काम नहीं कर रही थी, ऑन बाइक ऑन करने पे वो निकले आ रही थी, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। अब जो है वो दूसरी बाइक ये लगी हुई है, काफ़ी अच्छे से ये भी काम कर रही है। तो लॉक को भी लेके यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है अभी तक, लॉक जो है वो एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं। स्विच की क्वालिटी जो है वो ओवरऑल एकदम टॉप नॉच है, अभी तक आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसके स्विच काम कर रहे हैं, स्विच को लेके मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और हाँ मैं एक और चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे इसकी लाइट जो है वो इसका हाई बीम जो है वो ख़राब हो गया था, तो वो बल्ब मैंने चेंज कराया था एक, वो भी इसके हेडलाइट में दिक्कत आ गई थी। बाकी ब्रेक लीवर की आप क्वालिटी देखें तो यहाँ पे उतनी अच्छी मैं नहीं कहना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस से हट गया है। अगर इसमें क्रोम फिनिश यहाँ पे दिए जाते ब्रेक लीवर जैसे कि आपको रेडियन मिलते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी ब्रेक भाई एकदम ही बकवास है इसमें। और मिरर्स आप देख लें तो मिरर्स का व्यू जो है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, मिरर्स के व्यू को लेके यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक इसमें और मॉडिफिकेशन कराई थी लेकिन वो मैंने नहीं कराई थी, मेरे भाई ने कराई थी, यहाँ पे इसके थ्रॉटल जो है वो चेंज कराए थे, और यहाँ पे भाई ने इसमें बारंट्स लगाए थे जो कि वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने में काम आते हैं। लेकिन जब सर्विस सेंटर पर जाएंगे तो उसमें ओरिजिनल वाले जो डेले हुए थे TVS के वही लगवाएंगे और उसके बारंट्स भी हटवा देंगे। मुझे इस बारंट जो है वो नहीं पसंद है, बाकी जो स्टॉक बाइक है वही मुझे सही लगती है, मॉडिफिकेशन मुझे उतना ज़्यादा बाइक में नहीं पसंद आते हैं। और पेंट आप अगर इसके हैंडल बार का देखेंगे तो हैंडल बार का पेंट अभी तक एकदम वैसे ही है। इसमें आपको 170mm का मिलता है ग्राउंड क्लियरेंस से लेके, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। 3 साल होने वाले हैं बाइक को लेकिन अभी तक 1-2 बार ही सिर्फ नीचे टकराई है, वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो ब्रेकर बहुत ज़्यादा ऊँचे थे इस वजह से, बाकी ग्राउंड क्लियरेंस में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जो बाइक आ रही है उसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है, लेकिन 2020 वाले मॉडल में इसमें आपको नहीं मिलता था। सर्विस सेंटर जाके पता करेंगे, अगर इसमें लगेगा तो इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ भी लगवा लेंगे, सेफ्टी को देखते हुए भाई काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप भी लगवाना चाहें, अगर आपकी बाइक में लग रहा हो तो आप बिल्कुल लगवा सकते हैं। थोड़े से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ जो है वो थोड़ी बहुत यहाँ पे उखड़ चुकी है, तो भाई 3 साल में इतना बहुत तो होता ही है बाइक में थोड़ी बहुत, बाकी मैंने इसको काफ़ी मेंटेन करके रखा है तो उतनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। करते हैं TVS स्पोर्ट 2023 में आपको परचेस करनी चाहिए नहीं, तो अगर आप एक 110cc की बाइक देख रहे हैं
डिज़ाइन जो है वो देखिए भाई, सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, लेकिन अगर आप माइलेज के लिए ले रहे हैं भाई या कंफर्ट के लिए ले रहे हैं, अगर आपको इससे डिलीवरी वगैरह काम करना है तो ये बाइक आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको माइलेज जो है वो मुझे नहीं लगता है कि आपको और कोई बाइक इतना अच्छा माइलेज दे पाएगी। इसमें आपको माइलेज काफ़ी अच्छा मिलेगा, इसके लुक्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, और अब जो 2023 वाला मॉडल आ रहा है उसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है, जो कि सेफ्टी को देखते हुए काफ़ी अच्छा फीचर है। बाकी जो बाइक जो है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज आ जाती है। 70,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस था जब मैंने 2020 में ली थी, अब जो है वो थोड़ा बढ़ चुका है, इसमें आपको 75,000 रुपये देने पड़ेंगे, 77,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस आ जाता है लखनऊ उत्तर प्रदेश का। तो बाइक जो है वो अभी भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप अपनी पहली बाइक को देख रहे हैं तो TVS स्पोर्ट आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको मेंटेनेंस जो है वो एकदम ना के बराबर है, कोई भी इतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। मैंने इसकी जितनी भी सर्विस कराई है 400-500 रुपये में इसकी फ्री सर्विस हो जाती थी, और जब इसकी पेड सर्विस मैंने कराई है तो ऑलमोस्ट जो है वो 600-700 रुपये में इसकी पेड सर्विस भी हो जाती है। बाकी सर्विस सेंटर अगर आपके एरिया में अच्छा है तो और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस बाइक का मेंटेनेंस भी कम है, इसका माइलेज भी अच्छा है, और इंजन को लेके भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी अच्छे से राइड करा है, लॉन्ग टूरिंग भी करी है और काफ़ी भगाया भी है इसको, इसकी टॉप स्पीड भी चेक करी है, 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो इंजन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो 2023 में भी आप इसको आग बंद करके एकदम ये बाइक ले सकते हैं, मेरी तरफ से एकदम आपको थम्स अप मिलने वाला है, क्योंकि बाइक जो है वो काफ़ी बेहतरीन मिलने वाली है आपको। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको TVS स्पोर्ट का ये ओनरशिप रिव्यू कैसा लगा, और अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, या आपको इसका माइलेज देखना है, या आपको इसका हेडलाइट टेस्ट देखना है, आपको कुछ भी देखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।